मस्त रेडी हो गई हूँ। देखो लग रहा है भाई ये मेरा वो मंकी का। मेरे को स्वीट कॉर्न इतना नहीं पसंद है, अपने पास ही आते हैं ये लोग। ये लिया रस, पीछे देख रहे हो पूरा ऊपर ऊपर तक। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और नहा के मस्त रेडी हो गई हूँ। मेरे घर के बाहर का व्यू देखिए, ये जो पूरा ना ये मक्के का पेड़ है। स्वीट कॉर्न इसमें आएंगे, आई थिंक आ भी गए होंगे। ये देखो ये व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है। अपने पास ही आते हैं ये लोग। बहुत डर लग रहा है मेरे को, कल वाला जो सीन था ना, मतलब वो देख के अभी इन लोग से मेरे को बहुत डर लग। तो आज का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं सौरव वन विहार, सौरव वन विहार ऐसा ही कुछ नाम है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। मेरे को ना इतनी भूख लग रही है, खड़े खड़े किसी का वेट कर रहे, और वेट करते करते ना मेरे को स्वीट ब्रेड खाने का मन किया। वो टूटी फूटी वाला ब्रेड नहीं आता है वो, तो मैंने वो तो मेरे को मिला नहीं आता, तो मैंने ये लिया रस। किसी का वेट करते करते मैं आ गई हूँ छत पे, और मेरे ये पीछे वाला व्यू देखो। गाइस पता नहीं प्लान कैंसिल हुआ है या कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन हम कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं उसका आइडिया नहीं है। इसलिए पता नहीं कोई कोई जगह जा रहे हैं, लेकिन जा पक्का रहे। तो गाइस बारिश हल्की हल्की सी हो रही है, शायद तेज आ सकती है, तो मैंने पहन लिया है रेनकोट। और अभी आई थिंक फोन भी मैं अंदर डालूंगी, क्योंकि मेरा फोन बिक जाएगा और मैं फोन से ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। तो हम आए अभी मैकलॉडगंज वाले रास्ते में, और इतनी ठंडी है सोच भी नहीं सकती, और इतना फॉग जमा है। मैं आपको दिखा आगे देखिए, इतना फॉगी है। रास्ते में हम छोटी सी जगह पर रुके चाय पीने के लिए, पहले चाय पीते फिर आगे निकलते हैं। अभी हमने चाय पी ली, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये मेरे पीछे देखो कितना फॉगी हो गया वेदर, बहुत मस्त वेदर। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मैकलॉडगंज की तरफ। बहुत मजा आ रही है, बहुत मस्त वेदर हो गया। तो गाइस अब हम पहुंच गए मैकलॉडगंज की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, यहाँ का मार्केट। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है, बट उसके लिए अगेन एक और दिन, पूरा दिन चाहिए, तो मे बी विल कम नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम फिलहाल के लिए जा रहे हैं धर्मकोट। मैकलॉडगंज को मैंने आपको दिखा दिया, अब मैकलॉडगंज से हम और ऊपर जा रहे हैं धर्मकोट की तरफ। तो लेट्स एक्सप्लोर धर्मकोट के वहाँ पे क्या क्या है। ये जो रास्ता ना ये जा रहा है धर्मकोट की तरफ। यार धर्मकोट तो मैकलॉडगंज से भी ऊपर है। बहुत ऊपर आ चुके हैं, मेरे लिए तो ये सब कुछ एकदम फर्स्ट टाइम है, मतलब ये सब मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। पीछे देख रहे हो कैसा जंगल है पूरा, और सिर्फ पहाड़ पे हम चढ़े जा रहे हैं। वो पहाड़ को देखो, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पे। ये देखो पूरा ऊपर ऊपर तक पहाड़ी है। गाइस हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं, किधर जा रहे हैं मेरे को ही नहीं मालूम है। बोलो कैसा है। चल यार आगे कुछ नहीं यार, रोहित यहाँ पे आगे क्या है, एक्सक्यूज मी यहाँ पे आगे क्या। तो गाइस अभी हम चलते चलते ना धर्म चलते चलते नहीं बाइक पे जाते जाते हम लोग आ चुके हैं धर्मकोट की तरफ, मतलब जा रहे हैं त्रिउंड की तरफ। मैंने सुना बहुत ही वंडरफुल प्लेस है, तो हमने सोचा जब धर्मकोट की तरफ आ ही चुके हैं तो त्रिउंड जाना ही चाहिए, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। घर कब पहुंचेंगे, आई थिंक घर पहुंचते टाइम तो अंधेरा हो जाएगा। यू देखो कितना फॉगी है, ये देखिए। त्रिउंड तो ऊपर होगा भाई, क्या तगड़ा लग रहा है यार। यार ये ऐसा लग रहा है क्लाउड्स है, लेकिन वो फॉग है। अरे त्रिउंड के लिए तो कोई और रास्ता नहीं जाता। तो गाइस रास्ता भटक चुके हैं, त्रिउंड का प्लान कैंसिल हो गया, हम त्रिउंड नहीं जा रहे। इस रास्ता देखो कितना डेंजरस है, मतलब सच में बहुत डर लग रहा है। देखो इतना पतला सा रास्ता है,
डेंजरस रोड है। मैंने ना एक जगह पूछा कि धर्मकोट में घूमने के लिए कौन सी अच्छी जगह है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि धर्मकोट में ज़्यादा से ज़्यादा होटल है, ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, तो फिर इसलिए हमने त्रिउंड का प्लान किया। बट त्रिउंड जाते जाते हम रास्ता ही भटक गए। गाइस मेरे को तो हिमाचल में इतना मजा आया सर। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि आपका अगर खुद का व्हीकल है तो इट्स बेस्ट, लेकिन आपका खुद का व्हीकल नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और थोड़ा थोड़ा हाँ, तो गाइस अब हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ। थोड़ा सा अंधेरा होने ही वाला, अंधेरा होने के पहले हम नीचे उतर जाते हैं। ओ भाई पेड़ कैसे, एक पेड़ भी गिर गया। बहुत ठंडी लग रही है, बहुत फॉगी, आगे का दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसे में व्हीकल चलाना थोड़ा रिस्की होता है। और हम पहुंच गए फिर से मैक्लोडगंज और यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर रिटर्न जाएंगे। कॉलेज का टाइम तो पता यहाँ पे आ रखा है, समझ लेके गया। तो गाइस अभी हम रुके भुट्टा खाने के लिए, सबसे पहले भुट्टा खाते है फिर आगे जाते है। देखिए हर जगह ना स्वीट कॉर्न मिलता है और यहाँ पे मेरे को मिला ये वाला कॉर्न जो व्हाइट वाला होता है, इट्स नॉट स्वीट, बट मेरे को स्वीट कॉर्न इतना नहीं पसंद है, मेरे को ये वाला भुट्टा ज्यादा अच्छा लगता है, तो आई हैव दिस नाउ। गाइस अभी हमने कॉर्न खा लिया और रास्ते में इतना फॉग है, ये देखिए कैसा हो गया। ये देखो मैक्लोडगंज का मार्केट कितना सूखा रूखा दिख रहा है, रूखा सूखा ऑलमोस्ट, मतलब बारिश की वजह से ना बहुत सारे शॉप्स बंद है आज। तो गाइस अभी हम फिर से यहाँ चाय पीने के लिए। और तो गाइज अभी हमने चाय पी ली है, तो गाइज घर के लिए निकल चुके और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, ठंड भी बहुत है। गाइज ये मेरे आगे वाले का रेनकोट देखो, ऐसा लग रहा है कोई बलून जा रहा है देखो ऐसा लग रहा है कोई बलून जा रहा है। इतना बहुत ही ज्यादा फॉगी है, बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मेरे को फोन भी अंदर रखना पड़ रहा है, मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा फोन खराब हो जाएगा, इकलौता फोन है मेरा। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं